हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन हियर इट इज, योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ डेयरी फार्म। लिस्ट फोर मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट यू विश टू एडवाइज हिम। सो लेट्स स्टार्ट हियर द क्वेश्चन विद द की कंसेप्ट। सो अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इट कुड बी डेयरी फार्म। ठीक है, जो डेयरी फार्म होता है पर्टिकुलरली वो है क्या? डेयरी फार्म आर द इनक्लोजर्स। These are considered to be as an enclosures, जहाँ पर डेयरी एनिमल्स को देखभाल की जाती है उनको। ठीक है, जहां पर जो डेयरी एनिमल्स है, वी नीड टू रेयर देम एंड वी नीड टू ब्रीड देम। ब्रीडिंग वहीं पे होती है एंड इवन रेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अपने फ्रेंड को सजेस्ट करने हैं मेथड्स, ठीक है, सबसे पहले अब तो होगा कि प्रॉपर सिलेक्शन की जाए ब्रीड की। प्रॉपर सिलेक्शन दैट कुड बी हेयर ऑफ अ ब्रीड। द नेक्स्ट हेयर इट कुड बी हाउसिंग फैसिलिटीज होने चाहिए एनिमल्स के लिए। प्रॉपर प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज मस्ट बी देयर फॉर द एनिमल्स। नेक्स्टली हम कह सकते हैं प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। वी नीड टू इंश्योर कि क्या हो, वहां पर प्रॉपर वाटर सप्लाई हो। नेक्स्टली हम डिस्कस कर सकते हैं कि वहां पर सफिशियंट क्वांटिटी में गुड फूड अवेलेबल हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी That is here of sufficient quantity of good quality of fodder। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं उनकी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, ताकि उनको कोई डिजीज या प्रॉब्लम ना हो। अगर हो तो उन्हें मेडिकल हेल्प दी जाए। मेंटेन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच आई विल एडवाइज टू माय फ्रेंड इफ ही और शी इज ओपनिंग अ डेयरी फार्म। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।